चेहरे पर मुस्कुराहट और स्वागत में पहनाई जा रही फूल मालाएं। ये तस्वीरें घायल जवान के घर हालचाल लेने पहुंची बीजेपी विधायक की है। विधायक का नाम है विमला सिंह सोलंकी। विमला सिंह उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के सिकंदराबाद से विधायक है। दावा है कि विमला सिंह छत्तीसगढ़ के सुकमा के नक्सली हमले में घायल हुए जवान शेर मोहम्मद के घर पहुंची थी, लेकिन एक घायल जवान के घर पहुंचने का अंदाज बहुत अलग था। ढोल नगाड़ों के साथ बीजेपी विधायक का स्वागत हुआ, उन्हें फूलों की माला पहनाई गई और चेहरे पर बिना किसी शिकन के एक घायल जवान के वो घर पहुंच गई। दावा था कि वीडियो बुलंदशहर में शेर मोहम्मद के गांव यानी आसिफाबाद चंदपुरा का है, इसलिए हम सीधे शेर मोहम्मद के गांव पहुंचे। पड़ताल में पता चला कि विमला सिंह बीते 30 अप्रैल को शेर मोहम्मद के गांव आसिफाबाद चांदपुरा गई थी। विधायक चुनाव में जीत के लिए गांव वालों का आभार जताने निकली थी, लेकिन इसी बीच अपने समर्थकों के साथ वो शेर मोहम्मद के घर जा पहुंची। हमने इस बारे में जब शेर मोहम्मद की माँ से बात की तो उन्होंने बताया कि विधायक ने माफी मांग ली है। रात को जिन्होंने बुलाई उसका स्वागत हुआ, बोले बारो छुटे नाचते हुए दूसरे मोहल्ले में चलते टाइम हमारे घर आई। हमने कहा कि जो शेर मोहम्मद का मातम मनाने को आई है, जो यहाँ गाजे बाजा से आई है, तो उन्होंने कहा कि अम्मा मुझे जबरदस्ती ले गए खींच के, मैं तो यहीं को आ रही। वो बेचारी अपनी गलती मान गई, नहीं बोली, तो हमने उनके हाथ सिर पर हाथ रख के उसे आशीर्वाद दे दिए, जा बेटा अल्लाह तेरी तरक्की करेगा। पड़ताल में मिली जानकारी को और पुख्ता करने के लिए हम विधायक विमला सिंह के पास पहुंचे। हमने उनसे वायरल हो रहे वीडियो को लेकर सवाल किया तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। शेर मोहम्मद की माँ से हमारी बात हुई है, उन्होंने बताया कि चूंकि आपकी कुछ संवेदनहीनता थी इसको लेकर के उन्होंने माफी मांगी, आपने माफी मांगी तब उन्होंने आपको क्षमा किया, कुछ इस तरह की बातें उन्होंने हमें बताई है, क्या सच्चाई है? ऐसी कोई बात नहीं। विधायक जरूर सफाई दे रही है, इसलिए एबीपी न्यूज की पड़ताल में एमएलए के सम्मान में सुकमा के शूरवीर के अपमान का दावा करने वाला वीडियो सच साबित हुआ है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।